beginning. Right? Okay, please confirm that I'm live. लाइव हुआ ही नहीं था क्या? Okay. Hi, Chahat. I am good. How are you? Is the sound okay? आवाज आ रही है? Okay, so आज हमने Q करना है Q, right? So Q is not in the 12th computer science syllabus. ये हमारे पास 12th के syllabus में नहीं था. So this is an extra topic which you have to study along with जो भी आप 12th का syllabus पढ़ रहे हो. ठीक है? So Q is a data structure which is based on the concept of FIFO, and FIFO stands for first in, first out. ठीक है? Q आप कहाँ देखते हो? आप अगर कहीं पे जाते हो, let's say मंदिर है ना, temples में we have a queue, so we stand in a queue. जब आपकी turn आती है तो आप आगे जाते हो, and जो सबसे पहले queue में खड़ा हुआ था वो सबसे पहले बाहर आ जाता है ना? और अदरवाइज आपकी क्यूज होती है टिकट काउंटर्स पे, कहीं एंट्री हो रही है उसमें क्यू होती है. सो वी हैव क्यूज लाइक दिस. तो वी हैव डिफरेंट क्यूज एट डिफरेंट प्लेसेस. आप गाने सुनते हो है ना, आपकी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में भी क्या होता है, क्यू में वीडियोस होती हैं. सो वी कैन व्यू देम इन अ क्यू. आप प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो और एक एक करके आप उनको सुन सकते हो. कल भी लाइव क्लास हुई थी बेटा. हाँ, कोई आया ही नहीं था. आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी उसकी पारुल. ऑपरेशंस क्या है आपके पास? इंसर्शन एट एंड एंड डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग. बीसी के लिए आईपीयू के कॉलेज में फीस माफ है क्या? मेरे नहीं बेटा, आईपीयू के किसी भी कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप या फी रिडक्शन जैसा कुछ नहीं मिलता है. वरुण, फिर आप आईपीयू की जगह डेसू में ट्राई कर सकते हो. डेसू में अम्बेडकर कॉलेज है, दैट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, और उसमें आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा. ठीक है? ओके, आपके जो भी और डाउट्स हैं वी विल टेक इट एट द एंड. पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है वो है क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. द मेजर ऑपरेशंस यू परफॉर्म आर इंसर्शन एट एंड, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग. अब वही बात है कि इसमें भी आपको कोड लिखने के लिए तो नहीं आएगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने, पर जैसे मैंने आपको स्टैक में बताया था कि स्टैक के केस में भी क्या होता है कि आपको कोड लिख के दे देंगे और उसके बीच में ब्लैंक्स आ जाएंगे है ना. तो जो ब्लैंक्स आएंगे वो ब्लैंक्स आपको फिल करने होंगे. सो दैट इज हाउ आपके पास क्यू आप इम्प्लीमेंट करते हो. तो हम सबसे पहले देखेंगे हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग लिस्ट. सो क्यू इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन कैसे होती है? सो अगर आपको क्यू को इम्प्लीमेंटेशन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, सो क्यू इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन कैसे होगी? यूजिंग लिस्ट. अब जैसे हमने कहा था कि इंसर्शन इन स्टैक को हम पुश कहते हैं, डिलीशन फ्रॉम स्टैक को हम पॉप कहते हैं है ना. स्टैक में इंसर्ट करने को पुश कहते हैं, डिलीशन को पॉप कहते हैं, वैसे ही क्यू में इंसर्ट करने को एनक्यू कहते हैं और क्यू से रिमूव करने को डीक्यू कहते हैं. हेलो तान्या. तो हम क्या करेंगे, इंसर्शन कहाँ पे होती है? एंड में. तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, नाम दे दिया एनक्यू। फाइन, एनक्यू में आप चाहो तो कोई वैल्यू यूजर से ले सकते हो या यूजर से कुछ इनपुट करके भी ऐड करवा सकते हो। यहाँ पर अगर आपको एक क्यू बनानी है जिसमें आपको स्टूडेंट स्टोर करने हैं, जैसे कल हमने स्टैक में किए थे, तो मैंने एक लिस्ट ले ली क्योंकि बना तो हम लिस्ट से ही रहे हैं। तो स्टूडेंट एक ब्लैंक लिस्ट है जो कि रिप्रेजेंट करेगी मेरी क्यू को। अब एनक्यू के अंदर मैं सिर्फ स्टूडेंट का नाम ही इनपुट करवा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर स्टूडेंट नेम, राइट। इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम, और उसके बाद स्टूडेंट डॉट पुश। अब डू वी हैव पुश फंक्शन? लिस्ट के एंड में ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? पारुल बेटा, अगर वो दिख भी नहीं रही होती ना तो आप 2 बजे जब अपने कोर्स में जाओगे आपको वहां पे लाइव दिख जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इन केस इट इज नॉट विजिबल इन एडवांस, तो 2 बजे जब आपकी वो क्लास लाइव होगी आपको दिख जाती है वहां पे कोर्स के अंदर ही। अब मुझे बताओ कौन सा फंक्शन यूज होगा इस नेम को क्यू के एंड में ऐड करने के लिए? इंसर्शन इज डन एट द एंड ना, सो किस फंक्शन की हेल्प से हम एंड में ऐड कर सकते हैं? वेरी गुड तान्या, सो इट शुड बी वेरी गुड तुहीन। स्टूडेंट डॉट अपेंड और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम? नेम। So that's it. This is how we can add an element at the end of the queue. ठीक है, so user से name input कर लिया, student dot append add कर दिया। इसके बाद आप message print करना चाहते हो कि print added or something, तो आप वो भी print कर सकते हो। फिर ऐसे आपको कहा गया है कि एक function बनाओ dq जो कि सारे elements को delete करता रहे, और जब खाली हो जाए, जैसे stack में होता था सबको delete करते रहो, जब खाली हो जाए तो print कर दो stack is empty। वैसे यहाँ पे आपको डिलीट करते जाना है और जब सब डिलीट हो जाए तो एंड में प्रिंट करना है कि क्यू इज एम्प्टी। तो आप ये कैसे कर सकते हो? सेम लूप आ जाएगा कि व्हाइल लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 0, जब तक लेंथ 0 से बड़ी है आप जो डिलीट हुआ है उसको प्रिंट करना चाहते हो। तो यहाँ पर भी डिलीशन के लिए हम यूज तो पॉप को करेंगे, बट हम चाहते हैं कि आपका फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो। तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? पॉप 0। सो पॉप तो यूज होगा, लेकिन आप पॉप की ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। क्यों लिखोगे 0? क्योंकि आपको फ्रंट से डिलीट करना है। तो इसमें इंसर्शन होती है एंड पे और डिलीशन होती है फ्रंट से। सो ऑलमोस्ट सेम है स्टैक जैसा कोड, बस यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आया है। यहाँ हम सिर्फ पॉप लिखते थे, अब हम यहाँ पर पोजीशन दे रहे हैं 0 टू डिलीट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यू। आई एम ध्रुव, आई हैव अ क्वेश्चन। आईपी है 12th में, तो सीयूईटी में सीएस के सेक्शन ब्लैंक लीव करना, स्किप कर दोगे बेटा उसको, आप कुछ नहीं करोगे उसमें। आज भी लाइव क्लास होगी ऐप में 2 बजे, ठीक है? सो ऐप में आपकी लाइव क्लास होगी 2 PM पे। मैं अभी से ही शेड्यूल कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है? सो इट इज द सिमिलर कोड एज ऑफ स्टैक, बस इतना फर्क है कि उसमें डिलीशन एंड से होता है और इसमें डिलीशन आप बिगिनिंग से करो। So there we perform deletion from the end of the list, and here we are performing deletion from the beginning of the list. हाँ, पूरा सेम है, बस पॉप में ब्रैकेट में 0 आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोड में। So जो आपने स्टैक का कोड किया हुआ है 12th में, it is the same thing, बस जहां पर आप पॉप करते हो वहां पर सिर्फ पॉप नहीं होगा, पॉप के साथ ब्रैकेट में 0 आ जाता है, ठीक है? दैट इज इट। इसके अलावा आपको सिलेबस में लिखा हुआ है डबल एंडेड क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू क्या होता है वो पता होना चाहिए। उसका कोड नहीं करना, बट यू शुड नो व्हाट इज डबल एंडेड क्यू एंड व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू। तो देखो, डबल एंडेड क्यू मतलब जिसके 2 एंड है ना? दो एंड है तो उसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों तरफ हो सकता है. ठीक है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट डबल एंडेड क्यू, सो डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या है? इंसर्शन can be done both sides, deletion can be done both sides. So आप insertion भी दोनों तरफ कर सकते हो, deletion भी दोनों तरफ कर सकते हो. ठीक है बेटा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है इन द डेटा स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट, प्लीज चेक दैट. इंसर्शन कैन बी डन बोथ साइड्स, डिलीशन कैन बी डन बोथ साइड्स. सो ऑपरेशंस क्या क्या हो गए इसमें, अगर मैं अलग से लिखूं सारे, सो इसमें क्या क्या ऑपरेशंस हो जाएंगे? इंसर्शन एट एंड, वो तो आपका किसकी हेल्प से हो जाएगा? अपेंड की हेल्प से. अच्छा मुझे बताओ, अगर इंसर्शन एट बिगिनिंग करनी हो तो कैसे हो पाएगा? How can I perform insertion at beginning? Insertion at beginning कैसे हो पाएगी? Insertion at beginning के लिए क्या करेंगे? जो भी आपकी लिस्ट का नाम है उसके साथ आप insert करोगे, position दोगे 0 और फिर अपनी value दे दोगे. So this is what we are going to use if we have to insert at the beginning of the queue. ठीक है, तो पीछे ऐड करने के लिए append होता है और आगे के लिए insert. Similar way, deletion from beginning तो हमने देख ही लिया था. Deletion from beginning में क्या होगा? Pop bracket में 0 and deletion from end के लिए क्या होगा? खाली पॉप, लाइक दिस. सो द ऑपरेशंस पॉसिबल आर इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम एंड. आपको फिल इन द ब्लैंक में अगर आएगा तो सिर्फ चेंज इतना होगा कि इंसर्शन एट एंड है तो अपेंड से होगा, इंसर्शन एट बिगिनिंग है तो इंसर्ट और पोजिशन 0 दोगे, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग पॉप 0 से होगा एंड डिलीशन फ्रॉम एंड खाली पॉप से होगा. ठीक है. सो दीज आर द ऑपरेशंस ऑन अ डबल एंडेड क्यू. सो डी क्यू और डबल एंडेड क्यू इज व्हेन वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्यू. सो जब आपके दोनों साइड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म हो सके तो उसे हम डबल एंडेड क्यू कहते हैं. ठीक है. अब एक चीज इसमें और है, वो है प्रायोरिटी क्यू. प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या है कि इसमें इंसर्शन वैल्यू के हिसाब से होती है, डिलीशन हमेशा बिगिनिंग से होती है. सो वैल्यूज आर इंसर्टेड एज पर देयर प्रायोरिटी. ठीक है. डिलीशन इज ऑलवेज डन फ्रॉम द बिगिनिंग. डिलीशन हमेशा बिगनिंग से ही होगी, लेकिन इंसर्शन जो है वो प्रायर, जैसे हमारे पास वो नहीं होती मंदिरों में भी वीआईपी लिस्ट, या और कोई जगह पे लाइन है तो आपको कोई जानता है तो वो आपको लाइन में आगे ले जाके खड़ा कर देता है, तो आपकी प्रायोरिटी जो है, आपकी जो प्रेफरेंस है वो बढ़ जाती है. सो जब हमारी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, वी गेट टू गो अहेड इन द लाइन. सो यही चीज क्यूज में भी हो सकती है और उसे कहा जाता है प्रायोरिटी क्यू. इसका कोड नहीं आएगा, कभी आया भी नहीं है. ठीक है, और आना चाहिए भी नहीं. बट वैसे इसमें क्या होगा, अगर इसमें कोड में आपको फिल इन द ब्लैंक देते भी हैं तो भी आपको उसमें अपेंड या इंसर्ट ही फिल करना होगा. देखो अपेंड तो इसमें यूज ही नहीं होगा, वी विल बी यूजिंग इंसर्ट ताकि हम किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सके. इसका लॉजिक क्या होगा, जैसे पहला नंबर आया तो लिस्ट अगर खाली है तो मैंने सीधा उसको इंसर्ट कर दिया है ना. फिर मेरे पास नंबर आया 28, तो वो इससे बड़ा है तो वो इसके पीछे ऐड होना चाहिए. फिर अगर मेरे पास आता है 10 तो वो 0 पोजीशन पे ऐड होना चाहिए. अगर मेरे पास आता है 19 तो मुझे बेसिकली वो पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी जहां पर मेरा नंबर दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो आई हैव टू फाइंड अ पोजीशन वेयर इट लाइज बिटवीन टू वैल्यूज, तो वहां पर जाकर आप इंसर्ट करा दोगे। तो यहाँ पर पूरा लॉजिक जो है वो ये है कि फाइंड आउट द राइट पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट, ठीक है। आप इसका कोड ट्राई कर सकते हो एंड आई विल गिव द शाउट आउट टू द स्टूडेंट जो इसका प्रॉपर कोड लिख के दिखाएगा पाइथन में कि एक प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट कैसे हो सकती है। तो हिंट ये है कि नंबर मैंने इनपुट करा लिया यूजर से, अब क्यू में आपको देखना है कि क्यू खाली है तो सीधे ही उसको क्यू में अपेंड कर दो। अगर जो नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं वो आखिरी नंबर से बड़ा है तो आप अपेंड करा दो, अगर वो फर्स्ट नंबर से छोटा है तो जीरो पोजीशन पे इंसर्ट कर दो। अदरवाइज एक लूप की हेल्प से आप उसकी सही जगह ढूंढोगे कि वो किस जगह पर इंसर्ट होना चाहिए एंड यूजिंग योर इंसर्ट फंक्शन आप उस पोजीशन पर उसे इंसर्ट करा दोगे, ठीक है। सो ये ट्राई करना, बट सीयूईटी के पर्पज से नहीं, मतलब सीयूईटी में नहीं आएगा, ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि उसमें आपको आएगा, बट अपना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग की एक्सरसाइज के लिए, अपने लॉजिक डेवलप करने के लिए आप ये कोड जरूर ट्राई करके देखो, ठीक है। बाकी डेफिनेशन वाइज आपको पता होना चाहिए डबल एंडेड क्यू क्या है, प्रायोरिटी क्यू है एंड नॉर्मल क्यू क्या होती है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट स्टिल है? अब देखो कल मैंने आपको कराया था स्टैक में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कराया था ना, ये टुक, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी? सो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में मैंने आपको दो क्वेश्चंस भी दिए थे जिसमें से एक मान लो कुछ ऐसा सा था, लेट्स से ये है, नो आई आस्क यू कि इसको आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है? पोस्टफिक्स में। तो हम क्या करेंगे, तीन कॉलम्स बना लेंगे, इनफिक्स, स्टैक एंड पोस्टफिक्स, ठीक है। सो आपके पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी मल्टीप्लाई ई प्लस एफ, ये एक एक करके इनफिक्स के कैरेक्टर्स हैं जो मैं यहाँ पर चेक करूं, ठीक है। ए क्या है? इट्स एन ऑपरेंड, ऑपरेंड डायरेक्ट चला जाता है पोस्टफिक्स में। फिर जब प्लस आया तो स्टैक खाली है तो प्लस चला जाएगा आपके स्टैक में। फिर बी आया तो स्टैक को कुछ नहीं करेंगे, बी चला जाएगा पोस्टफिक्स में। फिर मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस के ऊपर। फिर सी आया, सी आ जाएगा इधर, इट इज ए बी सी। फिर प्लस आया, अब प्लस आया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई के ऊपर प्लस नहीं आ सकता क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से कम है, तो जो हायर वाला है उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब फिर प्लस है, सेम भी नहीं हो सकता, तो ये वाला प्लस बाहर आ जाएगा, ये नया वाला प्लस स्टैक में चला जाएगा। फिर आया डी, सो दिस विल बी ए बी सी डी प्लस, और यहाँ पर डी आ गया। फिर आया मल्टीप्लाई, तो प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई आ सकता है, ठीक है। फिर आया आपके पास ई, सो इट विल बी ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई। फिर आपके पास आया प्लस, अब फिर से प्लस आ गया, तो मल्टीप्लाई के ऊपर तो प्लस नहीं आ सकता, तो अगेन ये वाला मल्टीप्लाई और प्लस बाहर आ जाएंगे, द न्यू प्लस गोज इन। फिर आया एफ, तो ये बन जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई मल्टीप्लाई प्लस एफ, खत्म हो गया। तो जो स्टैक में बचा है आखिरी वो प्लस बाहर आ जाएगा। आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो देखो, पहले बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट था वो ए में ऐड हो गया। फिर डी ई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जो रिजल्ट था वो इसके पीछे वाले के साथ ऐड हो गया, और फिर एफ के साथ ये पूरा रिजल्ट ऐड हो गया। सो दैट इज हाउ योर इनफिक्स इज कन्वर्टेड टू पोस्टफिक्स। अब ये चीज तो हमने कल भी करी थी, ठीक है। इसमें जो चेंज मेरे को आपको कराना था वो ये है कि अगर यहाँ ब्रैकेट्स दे दी जाए, अगर यहाँ C+D इंटू ई ब्रैकेट में होता तो क्या होता। सो अगर इसमें ब्रैकेट्स आ जाए तो ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सो अब हम ये देखते हैं कि ब्रैकेट्स के साथ कैसे सॉल्व होगा। तो अगर ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थी A+B इंटू C+D इंटू ई प्लस F, सो हाउ विल यू सॉल्व दिस, ठीक है। सो देखो जो रिजल्ट होता है पोस्टफिक्स, उसके अंदर कभी भी ब्रैकेट नहीं होती है, ठीक है। पोस्टफिक्स के अंदर कभी भी ब्रैकेट नहीं जाती है। अब इसको भी हम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, C+D मल्टीप्लाइड बाय ई। बेटा जिन भी बच्चों को क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग आईपीयू सीईटी, वी हैव नेक्स्ट क्लास एट 12 o'clock फॉर दैट, आप वहां पे पूछना, आई विल आंसर यू देयर, ठीक है। सो ए जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, प्लस गोज टू स्टैक, फिर बी आया, बी गोज ओवर हियर, मल्टीप्लाई आया, फिर आई आपकी राउंड ब्रैकेट इधर ओपन हो रही है, ठीक है। आई एम हैविंग दिस राउंड ब्रैकेट है, सो ये क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट आ गई इधर, फिर आपका आया सी। अब सी जो है वो इधर चला जाएगा। अब देखो जब एक राउंड ब्रैकेट आ जाती है ना, मतलब एक न्यू लेवल ऑफ प्रेसिडेंस शुरू हो जाता है। अब जब ये प्लस आएगा, तो पहले जब पिछले क्वेश्चन में था तो प्लस आने से क्या हो रहा था, ये मल्टीप्लाई और प्लस बाहर आ रहे थे, नहीं आएंगे क्योंकि अब ब्रैकेट आ गई है, मतलब ब्रैकेट के बाद तो एक नया लेवल ऑफ प्रेसिडेंस शुरू हो गया। सो ये प्रेसिडेंस लेवल अलग हो गया। तो जब ब्रैकेट होती है तो हम ऑपरेटर को स्टैक में ही पुट करेंगे, हम उससे पहले किसी भी चीज को पॉप करके पोस्टफिक्स में नहीं डालेंगे, ठीक है। सो इट्स प्लस मल्टीप्लाई ब्रैकेट फिर प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एबीसी था, एबीसी ही रहेगा, फिर आपके पास आया ब्रैकेट प्लस, फिर ये हो गया एबीसी डी, फिर मल्टीप्लाई का साइन आया। अब मल्टीप्लाई का साइन प्लस के ऊपर आ सकता है तो आ जाएगा इधर, फिर आपके पास ई आया, ई आया, ये नहीं है, सो ए बी सी डी ई हो जाएगा। नाउ द ब्रैकेट इज क्लोजिंग, तो जब ब्रैकेट क्लोज होती है तो ओपनिंग ब्रैकेट तक जो भी कुछ है वो पॉप हो जाता है। सो ओपनिंग ब्रैकेट तक मल्टीप्लाई था, पॉप होके इधर आ गया, प्लस था, पॉप होके इधर आ गया, वो ब्रैकेट को भी रिमूव कर देगा और वो ब्रैकेट आपकी कहीं पे भी स्टोर नहीं हो। सो ब्रैकेट इज सिंपली रिमूव फ्रॉम हियर, मेरे पास स्टैक में बच जाएगा प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के आने पर मेरे पास सिर्फ स्टैक में क्या बचा, प्लस और मल्टीप्लाई। अब अगली लाइन में आ गया प्लस, अब जब प्लस आएगा तो फिर मल्टीप्लाई के ऊपर तो आ नहीं सकता, तो वी हैव टू पॉप अगेन। सो मल्टीप्लाई भी पॉप हो जाएगा, प्लस भी पॉप हो जाएगा, और नया प्लस स्टैक में आ जाएगा। फिर एफ आएगा तो एफ आपका इसके पीछे आ जाएगा। सो दैट्स इट, खत्म हो गया। सो आपका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी ई मल्टीप्लाई प्लस एफ प्लस। तो सबसे पहले डी और ई मल्टीप्लाई होंगे, उनका रिजल्ट सी में ऐड होगा, फिर वो जो आएगा वो पूरी की पूरी चीज बी से मल्टीप्लाई होगी, फिर वो पूरी चीज ए में ऐड होगी, और वो पूरा रिजल्ट आपका एफ में ऐड हो जाएगा। हर हर महादेव का नाम। इज इट क्लियर? समझ में आया ब्रैकेट्स कैसे मैनेज हो रहे हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन हाउ इट इज बीइंग मैनेज्ड? सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको एक एक्सप्रेशन दी होगी और आपको कहा जाएगा कि उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके बताओ क्या आता है, एंड ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस होंगी, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दैट। बाकी आपको अगर ये सारे नोट्स चाहिए 12th वाले इसके, दैट आई हैव एडेड इन द ऐप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑल्सो। 12th के फोल्डर्स में से भी आपको मिल जाएंगे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और देयर इज अ कोर्स ऑल्सो फॉर मॉक टेस्ट। तो ऐप के ऊपर आपका कोर्स है जिसके अंदर आपको बहुत सारे इसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे टू प्रैक्टिस फॉर CUET, CS या IP डोमेन। ठीक है, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड उसमें काफी फ्री मॉक टेस्ट भी हैं, तो आप वो फ्री वाले अटेम्प्ट करके देख सकते हो। एनी डाउट्स एनीवन? नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर सर्च करेंगे एंड बाइनरी सर्च करेंगे, दोज आर दी सर्चिंग टेक्निक्स। फिर मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटीज भी समझाऊंगी क्या होती है। स्टैक और क्यू में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकालनी होती, राइट? वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन वी डू the other algorithm. So tomorrow we will be doing linear search and binary search, and we will also discuss कि उनकी complexity क्या है। Yes बेटा, CUET और CET दोनों का syllabus अलग अलग है। CUET is your 12th class का syllabus of computer science. IPU CET is जनरल कंप्यूटर साइंस, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स थोड़े आपको पढ़ने होते हैं। CUET की क्लास हम रोज लेते हैं 11:15 बजे लाइव। 11:15 इज द टाइम फॉर द CUET क्लास ऑन द चैनल, एंड 12 o'clock इज द क्लास फॉर IPU CET। सिलेबस दोनों का डिफरेंट है, सिलेबस सेम नहीं है, ठीक है? सो दैट इज इट फॉर टुडे। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कीजिए, ठीक है? आई विल प्रोवाइड यू मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस लाइक दिस। एंड अभी हम जल्दी ही इसके क्विज शुरू करेंगे, बाकी ऐप पे तो क्विज होते ही है, बट वील स्टार्ट ऑन द चैनल ऑल्सो वेरी सून, ठीक है? तब तक आप सारे टॉपिक्स एक बार कवर कर लो, प्लेलिस्ट में टॉपिक्स हैं, लास्ट ईयर की वीडियोज में MCQs भी हैं, सो यू कैन गो थ्रू सम MCQs फ्रॉम देयर एज वेल। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है? आप लिखिए, आप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो वहां पर आप अपने बाकी स्टूडेंट्स जो CET या CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन चैट विद देम एंड डिस्कस योर रिसोर्सेज, योर स्ट्रेटजीज, ठीक है? सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले लाइक जरूर कर देना। अभी नहीं आया बेटा CUET का, ठीक है? CET का आ गया। IPU CET BCA एंट्रेंस एग्जाम इज ऑन 11th May, BBA भी 11th May को है, BBA और BCA का 11 मई को है। बाकी उनकी पूरी डेट शीट चैनल पे है, तो आप वहां से अगर कोई और एंट्रेंस भी भरा है आपने उसमें, तो आप देख सकते हो, ठीक है? चलिए, बाय फॉर नाउ, टेक केयर। और अगर आपने IPU CET भी भरा है तो मिलते हैं 5 मिनट बाद।